तो वहीं शिवपुरी की नलवर कृषि मंडी प्रांगण में कबैरा विधायक रमेश खटीक ने तहसीलदार अमित दुबे के साथ बैठक ली, जिसमें मंडी समिति के अधिकारी कर्मचारी क्षेत्र के किसान व्यापारी और हमाल मौजूद रहे। विधायक रमेश खटीक ने पौधारोपण कर किसानों के हित में कदम उठाते हुए कहा कि मंडी में किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराएं, किसानों से खरीदी गई फसल की तोल सही हो और समय पर फसल का भुगतान करें। फसलों की तुलाई के नाम पर कुछ अनाज हमाल लेते थे, वो बंद करके तुलाई का भुगतान बढ़ाने पर विचार किया। साथ ही मंडी प्रांगण में सीसी सड़क, लाइट, व्यापारियों के लिए दुकानें जैसी कई समस्याओं पर भी चर्चा कर समाधान करने की बात कही। इस बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और विधायक खटीक के द्वारा नियुक्त किए गए प्रतिनिधियों ने शामिल होकर पौधारोपण किया। वो भी तैयार किया, व्यापारी जो है 3.5 की जगह 7 रुपए देने तैयार है, ठीक है। किसान 5 की जगह 6 रुपए देने तैयार हैं, जो पहले 8.5 मिलता था अब 6 और 7 13 रुपए देने तैयार हैं। इस पे कुछ माल चले गए तो हमने कि नहीं आया तो दूसरे नहीं लगा। और यहाँ पे जो असुविधा थी उनके जो किसानों की थी, कैंटीन होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए और व्यापारियों की थी यहाँ पर दुकानों के लिए आवंटन होना चाहिए, वो भी व्यवस्था में प्रोस्टिंग में डाला और वो व्यवस्था आप 1-2 दिन में चालू, 1 हफ्ते में चालू।